दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ कि हमारे बालों की हेयर लाइटनिंग कैसे होती है। आपने बड़े लोगों को देखा होगा, बहुत बच्चों को भी देखा होगा, उनके बालों में ना नेचुरल लाइटनिंग होती है। वो ना तो केमिकल लगवाते हैं ना कलर लगवाते हैं, फिर भी उनके बालों में नेचुरल लाइटनिंग कैसे हो जाती है। नेचुरल लाइटनिंग को देख के हम सोचते हैं कि इन्होंने प्री लाइटिंग कराई है, यानी कि बाल इतने लाइट कैसे हो गए। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे बालों की नेचुरल लाइटनिंग किन कारणों के करके होती है। हमारे बालों की जो नेचुरल लाइटनिंग होती है, नेचुरल लाइटनिंग होने के चार कारण है। सबसे पहला कारण है हार्ड वाटर, दूसरा है एजिंग, तीसरा है जेनेटिक जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, और चौथा है सन डैमेज। अब बात करते हैं अकेले अकेले। सबसे पहले हार्ड वाटर की बात करते हैं। पानी के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है और मिनरल होते हैं, जिसके वजह से हमारे बालों की लाइटनिंग होती है। बिकॉज हम रूटीन में वॉश करते हैं अपने बालों को उसी पानी के साथ, तो वो पानी क्या करता है, हमारे बालों का जो क्यूटिकल है उसको खराब कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बालों की नेचुरल लाइटनिंग होना शुरू हो जाती है। दूसरा है दोस्तों एजिंग। जैसे जैसे बाल बड़ा होता है और वैसे वैसे हमारे बालों की लाइटनिंग होती है। उसका कारण ये है कि हमारे बालों में ना एक केमिकल होता है जो कलर बनाता है, उसको हम कहते हैं मेलानिन। वो बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल लाइट हो जाते हैं। तीसरा है जेनेटिक हेरिडिटी। अगर किसी की फैमिली के बाल लाइट हैं तो उनके बच्चों के भी बाल लाइट होंगे, चाहे वो धीरे धीरे होंगे बट उनके बाल लाइट जरूर होंगे। और चौथा नंबर है दोस्तों सन डैमेज। सूरज की किरणों के अंदर यूवीएस रेंज होती है, आपको पता है। उस यूवीएस रेंज की वजह से हमारे बालों की जो ऊपरली सतह है, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, वो खराब होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों की नेचुरल लाइटनिंग होती है। आई होप आपको पता चल गया है कि बालों की लाइटनिंग कैसे होती है नेचुरल तरीके के साथ। तीन कारण है, प्रॉपर तीन कारण मेन है, सन, ह्यूमिडिटी एंड वाटर। ये तीनों कारण मिलके ही हमारे बालों की नेचुरल लाइटनिंग होती है। अगर हम सोचें कि यार कलर करने के लिए नेचुरल लाइट करें तो कितना टाइम लग जाएगा, इसीलिए जो सारी कंपनियां हैं वो ब्लेंडर बनाती हैं, ताकि जो भी लाइटनिंग करनी है वो सारी इमिडिएटली हो जाए। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूँ कलर थ्योरी शुरू से लेके एडवांस तक। अभी मैं दोस्तों सिखा रहा हूँ आपको बेसिक, और धीरे धीरे हम एडवांस में जाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगी। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।